इंफ्रास्ट्रक्चर सनराइज तो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम हम देख चुके हैं 2003 से 2008 में आया था उसके बाद मोस्ट ऑफ द कंपनीज अ बैड डेट एंड एग्जीक्यूशन साइकिल सिमिलरली बैंक्स क्या यह चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है आई होप आई एम रॉन्ग बट पीएसयू बैंको वेरी सिक्लिकल क्योंकि आपने जो बड़े निवेश करे हैं जैसे आपने सेरा में निवेश करा था उस समय का सनराइज सेक्टर था अतुल में निवेश करा सनराइज सेक्टर था तेजस में निवेश करा सनराइज सेक्टर था आप छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं जब वो बड़ी हो सकती है मगर इंफ्राफ पी एस यू बैंक मे बी दे आर इन द सेकेंड इनिंग्स ना तो मैं ऐसा बताता, बताता हूँ सनराइज सेक्टर मतलब ये नहीं होता कि नया सेक्टर जो सन आज अस्त होता है वो दूसरे दिन सुबह उदय होता है वापस ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये मैं कोई नई सेक्टर की बात हाँ, वो <laughs> आता तो वो आता रहेगा क्रम है ये, ये प्रकृति का क्रम है तो, तो उसके अंदर न... में आपको वहां पर तो ये तो आना और जाना इसका चलता रहता है अब आप ही बात का देता हूं जो तीन हजार आठ से बीच के अंदर में आप देखिए हिस्ट्री बोलते हैं ना अपने आप को रिपीट करती है बट नॉट इन राइम्स ड्राइम्स ऐसे वैसे कुछ है जो भी कहावत है अंग्रेजी में राइट दो हजार तीन से सात के बीच में सोचिए इंफ्रा का इतना बड़ा बूम था दो सौ तीन सौ कंपनियां आ गई थी पांच हजार सब कॉन्ट्रेक्टर आ गए थे और सारे बनवास में चले गए 2008 से लेकर 2022 तक या सात से लेकर 21 तक इनका 14 साल का बनवास था ये उसके अंदर में सब कंपनियां खत्म हो गई अगर पाँच सात कंपनियां दस कंपनियां बची रह गई हिंदुस्तान में दस हज़ार करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कोई सिंगल कंपनी एक दो तीन चार ही होंगी उस जमाने में जिसको देखो जो आदमी पाँच सौ करोड़ का काम करता था वो भी पाँच करोड़ का काम करने लगे तो वो सनराइज उनका सनसेट हो गया उनका ये वापस उनका नया सनराइज़ हुआ है सेम यही चीज़ें बैंकों के अंदर में हुई थी उस समय बैंकों का जो जितना बड़ा जो बूम आया सेम ये तो डिफेंस के शेयरों में होती है अगर आपको याद हो बी एल बी एम एल और ये वो जो क्या बूम चला था अभी हिस्ट्री वो अपने आप को देखे वापस वन बाई वन दोहरा रही है तो ये इस बात का इंडिकेटर है, रही है। ये कि ये सन जो है ये ये वापस जो 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 डूबता है वही वापस उगता है